हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिल रही है। रामस्वरूप शर्मा का उनके दिल्ली स्थित आवास से शव मिला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। रामस्वरूप शर्मा दिल्ली में RML अस्पताल के पास फ्लैट में उनका सरकारी आवास था और वहीं से ये शव मिला है। रामस्वरूप शर्मा की मौत के बाद बीजेपी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा, दिल्ली में संदिग्ध हालत में उनका शव मिला है, फंदे से लटका हुआ ये शव मिला है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। उनके अपने सरकारी आवास से ये शव मिला है। और हम आपको बता दें, सांसद के घर के बाहर वरुण जैन मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ेंगे। वरुण का मैं रुख कर लेती हूं। वरुण, क्या खबर है, क्या अपडेट है, क्या कुछ कारण पता चल पाया है पुलिस को? देखिए, अभी तक किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस की जो टीम है मौके पर है, जो आला अधिकारी है खुद वो यहाँ पर पहुँचे हुए। ये मेरे सामने आप जो गोमती अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी गोमती अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर ये जो फ्लैट है जिसमें रामस्वरूप रहते थे, सुबह 8 बजे के आसपास जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पहले पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, कमरा का जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था, दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर पंखे से जो रामस्वरूप हैं उनकी लाश लटकी हुई थी। अब फिलहाल पुलिस के अधिकारी है जांच कर रहे हैं, फिलहाल अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है तो ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वजह थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि बीजेपी के सांसद से जुड़ा मामला है। आला अधिकारी सभी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं, इलाके को पूरा इधर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी और जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुँची हुई है और जाँच कर रही है कि किन वजह से, किन परिस्थितियों में ये कदम उठाया गया होगा, कोई सुसाइड नोट हो इसके लिए जो कमरा है उसकी तलाशी ली जा रही है, परिवार के लोग हैं उनसे भी उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि बेहद इनिशियल स्टेज है, जो अधिकारी है अंदर फ्लैट के अंदर ही मौजूद है और पूरी जांच पे जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है वरुण, आप नजर बना के रखिए। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, ये सरकारी आवास है और सांसद यहाँ पर रहते हैं तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी जरूर होगा, तो किसी बाहर वाले के आने की आशंका तो कम है। क्या वजह देख रहे हैं, क्या सूत्र आपके बता रहे हैं? देखिए, मेरी अभी अब से कुछ देर पहले मंडी के ही एक सांसद से बात हुई। उनका कहना है कि निजी रूप से पारिवारिक वजहों से काफ़ी वो परेशान थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ भी चल रहे थे। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार था, उसके बाद वे अस्पताल से घर भी आ गए थे, लेकिन कुछ निजी पारिवारिक कारणों से वो परेशान चल रहे थे। उन्होंने इस बारे में रामस्वरूप शर्मा ने उनके साथ अपने कुछ ऐसे निजी पल भी शेयर किए थे जिसको लेकर वो परेशान थे। माना ये जा रहा है इन्हीं निजी वजहों से उन्होंने आज रात में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि अभी असली वजह क्या है ये पुलिस जांच में ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दो बार सांसद रहे, 2014 और 2019 में वे लगातार मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। RSS के वे स्वयं सेवक थे, इसके अलावा सक्रिय रूप से जो राजनीति में आने के बाद वो मंडी जिला संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश संगठन मंत्री तक वे सक्रिय रहे थे। बिल्कुल ठीक है वरुण, मैं एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी। परिवार में कौन कौन है उनके और क्या परिवार उस समय घर में मौजूद था जिस समय ये पूरी घटना घटी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जुड़ा मामला है, पुलिस बेहद दबी जवान में इस पूरे मामले को लेकर बोल रही है। जो अभी तक हमारे सूत्रों ने जानकारी, देखिए आप सामने अगर आप तस्वीरों में देखें तो फॉरेंसिक जो टीम थी वो जो रामस्वरूप जो सांसद थे उनके शव को अब फिलहाल एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। जो फॉरेंसिक की जो टीम थी उसने जो भी अपनी जाँच थी वो फिलहाल मौके पर की है, अभी आगे की जाँच की जाएगी, लेकिन जो उनके परिवार के लोग, जो रिश्तेदार, कर्मचारी वो सभी उधर एम्बुलेंस के पास आपको सामने खड़े नजर आएंगे और जो एम्बुलेंस है उसके अंदर जो अब उनका जो शव है, पार्थिव शरीर है, उसको रखा गया है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है आगे वो की जाएगी, जिससे कि जो जांच है उसको एक मुकम्मल तफ्तीश को एक मुकम्मल मुकाम तक पहुँचाया जा सके और ये एम्बुलेंस में अब जो रामस्वरूप हैं उनका जो शव है वो यहाँ ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट जो कि
ठीक है नॉर्थ एवेन्यू इलाके के अंदर मौजूद है, वो यहाँ से ले जाया गया है। तो फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर मौजूद नहीं था। जो आपका सवाल था, जो घर के नौकर थे वो फ्लैट के अंदर मौजूद थे, और सुबह जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब पुलिस को पहले जानकारी दी। पुलिस ने विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आत्महत्या ही सामने आ रही है, हालांकि जांच लगातार जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थोड़ी देर में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे नॉर्थ एवेन्यू, रामस्वरूप शर्मा के अंतिम दर्शन के लिए वो लोग पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस समय की, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और गृहमंत्री अमित शाह नॉर्थ एवेन्यू पहुंचेंगे। रामस्वरूप शर्मा मंडी से सांसद बीजेपी के, बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के, और संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने अब से कुछ क्षण पहले हमें बताया कि पारिवारिक कारणों के चलते हुए या कुछ निजी वजहों से ये आत्महत्या को अंजाम दे सकते हैं। नीरज पांडे मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज, बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हैं रामस्वरूप शर्मा, और उनका शव ऐसे संदिग्ध स्थिति में मिला है उनके घर से। जी बिल्कुल शोभना, आज ये बड़ी खबर है क्योंकि 9:30 बजे भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी थी, और इसी वजह से इनकी जब डेथ की खबर सामने आई तो प्रधानमंत्री ने ये पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक है वो रद्द कर दी। और माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके अंतिम दर्शन के लिए नॉर्थ एवेन्यू जा सकते हैं और वहाँ उनके अंतिम दर्शन करें। बड़ी क्षति है हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि रामस्वरूप शर्मा एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी अच्छी खासी साख है। मंडी में उनका अच्छा खासा कब्जा है, मंडी के इलाके में उनको बहुत लोकप्रिय लीडर के रूप में जानते हैं। तो आज इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में गहरा शोक भी है, और भाजपा के तमाम जो कार्यक्रम हैं उनमें भी इसका असर पड़ा है, और भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक रद्द हुई वो भी इसी कारण से रद्द की गई। अब एक और बैठक है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले चूंकि जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो जेपी नड्डा पहले अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद अन्य कार्यक्रम में शरीक होंगे। जी शोभना बिल्कुल ठीक है, नीरज पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़े नेता के आज इस तरीके से मृत्यु की खबर आई है, बीजेपी के तमाम जो कार्यक्रम है उनमें बदलाव भी अब हो सकता है। ABP News आपको रखे आगे।